गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है संडे और संडे इज़ द हॉलीडे। पता नहीं सेंटेंस नहीं बनेगा, मुझे पक्का भी नहीं पता क्योंकि अंग्रेजी हमारी मजबूत है, ज्यादा ज़्यादा ही मजबूत है तो आज छुट्टी का दिन है जी, बच्चों की भी और हमारी भी। और आंसू लग रही अपने किचन में, इसकी कोई छुट्टी नहीं रखती। इसकी छुट्टी जब तो रहे, जैसे कल या परसों या बीमार पड़ी थी, जब तो छुट्टी रहे इसकी, वो भी लिमिट टाइम है उसका भी छुट्टी का, वो तो छुट्टी रहे इसकी, नहीं तो आज सुबह ही फिर आ ली। हाँ तो अपनी ड्यूटी पे होगी खड़ी। हेलो जी। हाँ और क्या होना तो आई हो। दो दिन की तुम्हारी तो तन्ना छुट्टी नहीं, डेढ़ की, डेढ़ दिन की पढ़ कहीं क्या फायदा, कब तक पड़ी रहूंगी क्या बना मैंने आज तो आपके फेवरेट है, आपको नहीं पता लगा तो क्या बनाया भाई? ये मेरे गजब है, दूध के साथ मिल जाओ चने। ये शुगर भी पसंद है तो ये चने उबाल लिए। मैंने पूछ रही मैं कहा चने चने ही खा लोगे, इन्हें छोंकू आग दूध के साथ? नहीं, ब्रेकफास्ट में तो यही चल जाएंगे दूध के साथ। मतलब इसमें तड़का ना लगाऊं क्या? ना जीरा ना। अच्छा मैंने तो नहीं निकाल लेते, मैं कहा इन्हें तो वो कर दूंगी। और ये है सब्जी के, और आपको कहा था सुबह, मैं कहा फोन करके देख लो, पर खाना बना दूंगी मैं कर रहा था 8 बजे, मुझे बताना याद नहीं रात जे क्या 8 बजे के लगभग करा था। नीरज को फोन, उन्होंने कह रहा था कि सुबह ही, दोपहर का भी सुबह ही बना लिया उन्होंने, इंदु ने। अच्छा आज सुबह ही बना लिया था क्या खाना? हाँ मैंने तो अरे इसीलिए ये चने ज्यादा भिगोए थे, मैं कहा दोपहर को सबके बना दूंगी, सबके लिए सब्जी आलू चने बना दूंगी। अच्छा बना दिया तो इसे, और सांझ को भी आई चल जाएगी फिर, और क्या हमारे लिए तो ज्यादा रहेंगे ना ये। चल जितना भी सब भिगोए थे, मगर एक तो हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे और फिर दोपहर को सबके लिए लंच बन जाएगा। आंटी को दे दिया अगर ज्यादा ही समझेगी फिर। नहीं ये तो मैं तो खाई जा रहे, ये तो शाम को भी चल जाएंगे ना। सुनो मेरी मम्मी मेरे लिए तो चाट के लिए रख दिया शाम को इसे। हाँ थोड़े से बचा के निकाल दिया, चाट जरूर चाहिए तीसरे पैर से, इसकी चाट बना दूंगा मैं अपनी भी है। आज तो मैं भी रूम चेंज कर रहे, कन्हैया तो चला गया उधर, भी नाश्ता नहीं करके गया क्योंकि वो पहले तो घूमने जा रहा था, बल्कि ये तो बढ़ गए थे चने तो जब वो गया। अरे पहले वो घूमने जा रहा था, वही फोन आया होगा उस पर। अच्छा तो आके चला गया। चल बना दे तो फटाफट है, बना रही बस मेरे तो बस मैं सहज सहज कर रही, फटाफट नहीं मेरे को हो रहा काम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खड़ी तो सहज सहज हो जाएगी ठीक। कल तो बेटर है, आज परसों तक कल थी, कल ठीक रही, फिर भी आज दिक्कत है मुझे, रात अच्छा। परेशान रही मैं बहुत, रात तो मुझे भी नींद नहीं आई, पता नहीं क्या परेशानी तो रही। प्रॉब्लम हो रही मुझे सबसे बड़ी तो नींद की समस्या, नींद नहीं आती। और दूसरा जब गले में दिक्कत हो रही ना, गला दुख रहा तो उस दिन फिर सांस नहीं आता, नहीं गलने में दिक्कत रहा है, उस तक दिक्कत हो रही बहुत। एलर्जी सी हो रही है तुझे? नहीं नजला सा, वो इन्फेक्शन बता रही ना, डॉक्टर ने बताया कि गले में इन्फेक्शन ज्यादा है बहुत, और उसी वजह से फीवर हो रहा, और फीवर मुझे लग नहीं रहा कि हो रहा, वैसे नहीं आता थर्मामीटर में, लेकिन अभी भी हो रहा है, जब बुखार हुआ बहुत तेज, मेरी बॉडी ऐसा रह रहा है जैसा दर्द हो रहा हो पूरी बॉडी में, बुखार भी नहीं होती, अब मुंह भी ऐसा ही हो रहा जिकर बुखार हो गया, बॉडी पेन है। चल आराम से कर ले तो, और जितना होता हो आराम से करूंगी, तो ये सारा धीरे धीरे करूंगी, करना भाई। सो फ्रेंड, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हमारा, और अब मैं चलता हूँ उधर, नीरज उधर सामान रख रहे, तो देखो थोड़ा घना जितना भी होगा हेल्प करा दूंगा। और मैंने उनके लिए पानी ले लिया, पानी पूनी पी लेंगे वहाँ, क्योंकि अभी आर ओ वगैरह तो लगा नहीं होगा, और पता नहीं टैंक वगैरह भी साफ होगा नहीं होगा, लेकिन ये है पानी पूनी पी लेंगे। वो दुकान वाला कैंपर मंगा लेते हैं, वो भर के भर के चले जाते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी दुकान भी तो नहीं खुल रही होगी, अब तो 2 लीटर की ले ली मैंने, ठंडी है दुकान तो, उससे मेरे चाबी तो ले गया था, पता नहीं बाद में देख लेंगे, कन्हैया मंगवा लेंगे। तो जी मैं चलता हूँ उधर, मैं ऋषि दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ
देखिए जी, मैं तो चले गए थे उधर, इसके पापा सामान रख रहे हैं आज मैं उधर, तो यहाँ पे मैं बस अपना धीरे धीरे लग रही हूँ काम करने के लिए। और सबसे पहले वही रसोई का समेटूंगी। और ईशु भी गई है उनके साथ, कन्हैया तो सुबह ही चला गया था। और यहाँ पे बस मैं जो नाश्ता वगैरह हो गया था, जो भी दूध वगैरह मेरा रखा है वो मैं बॉईल करके रख देती हूँ, और बस अपना धीरे धीरे सफाई करने लगी। और कई दिन हो गए अच्छी तरीके से, 2-3 दिन से मेरी वीडियो भी ऐसी बन रही है। मतलब मैंने बस ये है कि खाना वाना तो मैंने बनाया है, लेकिन इतने अच्छे से मैं क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाई 2-3 दिन से। गुड्डू ही कर रही थी, और फिर बच्चे देखे ऐसे ही करते हैं, कर लेती है जितनी भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने आप और ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो मैं सोच रही कई दिन में मन का लाच इलाज मैं अपने आप ही कर दूंगी। बल्कि वो कह रही थी कि मम्मी रहने दो आप, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने अपना दूध वगैरह छान के रख दिया है, उसके बाद फिर अपना गैस वगैरह साफ कर दूंगी। और गुड्डू ने सारा सामान वगैरह जो भी था अंदर वो कर दिया। पहले उसने की थी बाहर रूम की सफाई ऑफिस की, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम सब वहीं पे ही लेटते हैं। और फिर बिस्तरे वगैरह उठाने उसने ही किए थे सुबह के टाइम। और बस वो लग रही थी, सामान उठा दिया था, बेडशीट वगैरह मैंने उसे ना कर दी थी क्योंकि मुझे चेंज करनी थी। मैं कहा मैं कर दूंगी, उससे बेडशीट बिछती नहीं। वो कह रही थी कि मम्मा आप कर देना, बाकी मैं कर लूँगी। सामान वगैरह उसने सारा ही उठा दिया था, अब अंदर रूम दोनों क्लीन कर दिए थे। फिर वो अपना करने लगी थी पढ़ाई। और बच्चे हैं देखो, बिल्कुल ये भी नहीं कि वो अब लगी रहती है, थोड़ा कर लेती है, कभी बैठ जाती है, कभी अपना किसी काम में लग जाती है, ऐसे कर लेती है। लेकिन करती है, काफ़ी हेल्प करती है। हेल्प तो खैर हमारे घर में छोटे से बड़े सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए जो जार वगैरह थे वो भी आगे पीछे से ऐसे ही हो रहे थे, तो फिर मैंने वो भी अच्छे से सेट से कर दिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब भी अपनी किचन को क्लीन करती हूँ तो एक बार अच्छी तरीके से पूरी किचन में हाथ निकाल लेती हूँ, जिससे कि जो सामान जहाँ रखा रहता है वो अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी में खाना वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं काम, तो कई बार हमारा इधर उधर हो जाता है सामान। तो जब हम उसकी सेटिंग्स ही करते हैं, सुबह के टाइम ही करती हूँ, दिन में तो नहीं, तो उसे एक बार थोड़ा सा सेट कर देते हैं तो किचन बिल्कुल सेट रहती है। तो उसके बाद बारी आ गई थी अपना ये गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने, सारा साफ कर दिया। फिर मैंने जो ऊपर की ये अलमीरा, ये भी कई दिन हो गए साफ नहीं हुई थी। और ये जैसा मैं बताती हूँ कि लाइट कलर है, ऊपर की तो बिल्कुल इतनी गंदी नहीं होती, जो ये नीचे वाली है ये तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। एक तो पानी वगैरह की छींट भी लग जाती है इन पे, और जैसे आंटी बर्तन बुर्तन धोती है उनकी भी लग जाती है। तो ये तो मुझे लगभग तीसरे या चौथे दिन करनी ही पड़ती है। तो ये 2-3 दिन से साफ नहीं हुई थी और गंदी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने गिला टावल करके, ये छोटा टावल सा ही मैंने किचन साफ करने का ही बना रखा, और इससे ये जो अलमीरा है ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने फ्रिज का कवर धोया था, मैंने गुड्डू को कह दिया, मैंने कहा बेटा वो लगा दे, जो सामान उसके ऊपर रखने का साइड में रखने का वो रख दे, तो उसने वो लगा दिया। तो यहाँ बस मैं अपना लग रही हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो जी किचन मेरी हो गई है सारी क्लीन। अब उसके बाद बारी आ गई है बेडशीट चेंज करने की। जैसा मैंने बताया था, गुड्डू ने सामान वगैरह बिस्तरे वगैरह तो सारे उठा दिए थे, और बस ये बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। एक तो मुझे फीवर था 2-3 दिन से, तो मैं इसलिए भी ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी है कि कीटाणु से हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर देती हूँ। बल्कि गुड्डू कह भी रही थी मम्मी यह तो साफ पड़ी, बाद में कर देना, मगर नहीं बेटे वो फिर मैं कभी इस वाले बेड पर लेट जाती हूँ, कभी इस वाले पे, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने चेंज कर दी थी, मैं कहा नहीं थोड़े से जम से निकल जाते हैं, थोड़ा डर सा ये भी रहता है कि कभी बच्चों को ना हो जाए। तो यहाँ पे बस मैंने ये वाली बेड शीट झाड़ दी, तकिए वगैरह लगा दी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, और यहाँ गुड्डू अपने कुछ कपड़े ढूंढ रही थी। वो कह रही थी कि मम्मा मेरी एक पैंट या टॉप था शायद कुछ, वो कह रही थी कि मम्मी वो नहीं मिला मुझे, वो दे देना, अब वो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं उसी के लिए मैंने ये बेड खुला है, मैं देख लेती हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कुछ कपड़ा रखा रहता है लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ है,
तो ये जो डब्बे वगैरह मैं ज़्यादातर इनमें बच्चों के कपड़े ही रखती हूँ, तो इनमें से कहीं तो थे खाली, बिल्कुल कपड़े निकल रहे थे, मैं भी ऐसे ही रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा क्लीन सा मतलब कर दूँ, जो खाली है उनको निकाल दूँ, वरना तो वो जगह वेस्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने निकाल दिया, और मैं इसमें वो ढूंढ रही थी, इसकी मिली थी ये वाली कैपरी, और ये बिल्कुल नई की नई नई रखी, लेकिन ये ऐसा पहनती नहीं, मैं बोल भी रही, मैंने कहा ये किसी और को भी नहीं आएगी, जैसा पी हुई ईशु को इसी पहन ले, लेकिन नहीं आएगी। उसने ना कर दी कि मम्मी मैं नहीं पहनूंगी, इतनी अच्छी है वो, नई की नई रखी। और एक आध टॉप भी था उसका, तो वो भी मैं कह रही थी, गुड्डू का ये होता है जो कपड़े उसके समझ में नहीं आते ना, वो कभी नहीं पहनती, चाहे हम कितना ही उसको बोलते रहो, और जो उसे पहनने वो अपना पहनती है, उनको कंटिन्यू पहनती रहती है। और घर में तो ज़्यादातर वो मतलब नाइट सूट वगैरह ही रखती है पहन के। और यहाँ पे देखिए, बस इस वाले रूम में भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी, बेडशीट इसकी गुड्डू ने पहले ही उतार दी थी, क्योंकि वो बिछाने लग रही थी, मैंने उसको ना कर दी थी, मैं कहा मैं दूसरी बिछा दूंगी। तो ये रूम भी हमारा सेट हो गया, और मेरा फोन भी आया हुआ है, तो मैं बातें भी कर रही और अपना काम भी कर रही। तो यहाँ पे मैं वो जो कपड़ा सा था वो बिछा के देख रही थी, और अब आ गई हूँ मैं बाहर। और यहाँ पे मैं देखिए, ये सोफे पे एक कपड़ा था मेरे पास, ये मैं लाई थी बेडशीट बनाने के लिए, ये मैंने बेड में से ही निकाला, जब मैं बेड खोल रखा था तो ये मुझे मिला, काफ़ी दिन हो गए लेके आई थी, तो मैं सोच रही थी इसकी बेडशीट बनाऊंगी, अच्छी लगेगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा देखती हूँ इसके जो सोफे के कवर अगर अच्छे लगे तो ये बना लूँगी। मैं इसको डाल के ही देख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा कि अच्छे तो लगेंगे, आंटी भी बोल रही थी कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके ऊपर, लेकिन क्या है कि ये कपड़ा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा, क्योंकि जब हम बनाएंगे या तो फिर मुझे इसके साथ कुछ मैचिंग करना पड़ेगा, जैसे ऊपर के अलग नीचे के अलग बनाऊंगी, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो देखती हूँ। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में मशीन रखने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बस यूँ लगा कि जो भी ज़रूरी काम है सिर्फ वो करो, बाकी अपना बैठ जाओ, खाने पीने का जो काम है वही होता है। तो बस मैंने वो डाल के देख लिया, अब मैं बस जो ये कवर है यही झाड़ के बिछा दूंगी, बल्कि अभी मुझे चेंज करने थे, फिर मैंने सोचा ना वो जो बिछाने थे वो थे बेड में, बेड के ऊपर मैं बेडशीट डाल आई, और फिर मुझे बाद में याद आया कि बेडशीट मैंने वो कवर नहीं निकालने सोफे के, वो जो निकालने थे, लेकिन फिर गुड्डू कहने लगी मम्मा रहने दो कोई बात नहीं, दो एक दो दिन बाद में डाल देना, तो फिर मैंने यही बिछा दिया। बस धीरे धीरे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी तो मेरे से काम नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी डाउन है, और कोल्ड वगैरह सा, कोल्ड भी नहीं कह सकते, अजीब सा ही हो रहा, जैसा बॉडी पे नहीं रहता है, बस सारा दिन यह है, कभी पूरी बॉडी में, और बस दवाई ले हूं तो थोड़ा 1-2 घंटा मुझे आराम मिल जाता है। तो ये गले में मेरे ज़्यादा इन्फेक्शन है, इस वजह से ही बोला डॉक्टर ने, तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, फीवर तो नहीं है, बस ये है कि गले में दर्द, और एक आंखों की वजह से मैं परेशान हो रही, आंखों से मुझे मतलब जैसा दर्द होता है, अगर मोबाइल वगैरह भी थोड़ी देर देख लेती हूँ तो उससे और भी ज़्यादा होना शुरू हो जावे है, तो ये इन्फेक्शन ही है एक तरीके का, तो दवाई भी डाल रही, ले भी रही, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बस जी मैं अपना लग रही हूँ ये करके, फिर मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, आंटी अपना कर देगी साफ़ सफाई, आ गई है, मैं बर्तन कर रही, चाय वगैरह पी के, और बस मैं अपना सफाई कर रही। तो जी आज की वीडियो बस इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।